Hey everyone, how are you all? Welcome to the Innovative Ways. And in this video, we are going to talk about ballot. It's a literary device that is a part of your syllabus. So let's get started. Ballad एक कविता है या फिर एक सॉन्ग है जो कि कहानी को बताता है. A poem or song narrating a story in short stanzas. कहानी कविता के फॉर्म में और वो भी कैसी? छोटे छोटे स्टैंजास के अंदर. एटिमोलॉजिकली यदि हम इसको देखें तो ये जो वर्ड है बैलेट, ये लिया गया है कौन सी भाषा से? लैटिन वर्ड से, दैट इज बेलारे. और बेलारे का मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पर लर्न करने वाली एटिमोलॉजी यदि हम देखें तो ये वर्ड किस लैंग्वेज का है, दैट इज लैटिन. कौन सा वर्ड है बेलारे और उसका मीनिंग क्या है? डांसिंग सॉन्ग. ओके, further if we see that it's a short story, जैसे मैंने कहा it's a short story in verse, है ना, कविता के फॉर्म में कहानी. intended to be sung with musical accompaniment, मतलब ऐसे नहीं है कि इस किसी कहानी को आप कविता के फॉर्म में बोल रहे हो, बल्कि साथ में जैसे कि गाने के साथ में म्यूजिक होता है, वैसे ही इस पोएम के साथ में या फिर सॉन्ग के साथ में क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में ये कविता बोली जाती है और ये एक कहानी को बताती है. इट इज अपोजिट टू द एपिक विच इज अ लेंथी स्टोरी इन वर्स, है ना. जैसे कि हमने देखा महाभारत, तो वो क्या है, वो भी एक कविता के फॉर्म में है ना, उसके अंदर दोहे होते हैं, तो बट वो क्या है, एक लेंथी स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी है महाभारत. तो इसके जस्ट अपोजिट बैलेट जो है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी. एक छोटा सा डिफरेंट आपको बैलेड और एपिक में मिला, आगे के वीडियो के अंदर हम एपिक ही करेंगे. तो एपिक जो है वो क्या है, लॉन्ग स्टोरी है, और बैलेड एक शॉर्ट स्टोरी है. दोनों ही क्या करता है, पोएटिक फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में किसी स्टोरी को नरेट करता है. ट्रेडिशनल बैलेट की बात करें तो दे आर टिपिकली ऑफ अननोन ऑथरशिप, नहीं पता कि ये कहानी या ये कविता जो है, जो कि इस कहानी को नरेट कर रहा है, वो किसने कही है. जैसे अभी हमारे एपिक की बात करें महाभारत, सो वी नो कि किसने बोला, लेकिन ये जो बैलेट्स होते थे उनके जो ऑथरशिप है, यानी कि कहाँ से ये बैलेट आई है, दैट वाज नॉट नोन, हैविंग बीन पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. यानी कि ओरली, है ना, बोलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो कहानी है, ये बैलेट है, वो ट्रांसफर हुए हैं. ठीक है, तो ओरिजिनली कहाँ से आया, सबसे पहले किसने लिखा या बताया, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, सुनाया गया है, तो ये सुन सुनकर ही ट्रांसफर होता है. ओके, देन बैलेड इज अ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजुअली इन फोर लाइन स्टैंजास. तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे हमने कहा कि शॉर्ट स्टैंजास होते हैं, तो कितने शॉर्ट होते हैं, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इनटू अ क्वाट्रन. एक क्वाट्रन के अंदर चार लाइन का स्टैंजा होता है. ठीक है, यानी कि चार लाइंस होती है. तो इस तरह से ये जो पोएम होती है ये फोर लाइन के स्टैंजास में होती है. इन पॉपुलर म्यूजिक द वर्ड बैलेड कैन ऑल्सो रेफर टू अ स्लो रोमांटिक और सेंटिमेंटल सॉन्ग. ओके, सो दिस वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज एक्चुअली फोर लाइन स्टैंजा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं. इसके बाद जो बात आती है वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि एक्चुअली बैलेट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, देयर इज सर्टेनली ओनली वन एपिसोड ऑफ द स्टोरी इन अ बैलेट, यानी कि एक ही कहानी का, एक कहानी का एक ही एपिसोड होगा एक बैलेट के अंदर. वन बैलेट, वन एपिसोड, वन स्टोरी, ऐसे याद रखते हो. जनरली इन एवरी बैलेट देर इज ए रेफरेन. रेफरेन क्या होता है, जब किसी फ्रेज और लाइन को दोहराया जाता है ना. जैसे आप कोई भी दोहा याद करोगे, आप देखोगे कि उसमें, यानी कोई कविता या कुछ याद करते, तो जो इवन इन सॉन्ग ऑल्सो हम किसी लाइन को या स्टैंजा को बार बार दोहराते हैं, तो उससे बोलते हैं रेफरेन, और वो इसमें जनरली होता है. बैलेट हैज एन अब्रप्ट एंड अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग, यानी सडन ओपनिंग होती है इसकी, इससे पहले की सराउंडिंग थीम या कुछ नहीं होती है, सडन कोई कहानी स्टार्ट होती है इन अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग. द
The poem starts all of a sudden without providing any details about the subject matter. यानी ये जो पोएम है ये पहले नहीं बताती है कि वो ये जो सब्जेक्ट का मैटर है वो क्या है. इसकी ओपनिंग अनएक्सपेक्टेड है, अब्रप्ट है, मीन्स सडन ओपनिंग है. ठीक है, तो उसका कह सकते हैं कि प्रीफेस जो है वो आपको नहीं मिलेगा, सडन मिलेगा. ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है. जैसे कि हमने पहले भी देखा का स्ट्रक्चर, का स्टाइल एंड डिक्शन, दिस ऑल आर वेरी सिंपल. कहने का मतलब जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल एंड ल्यूसिड होती है. ठीक है, एंड मेकिंग देम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ पोएट्री. इफ अ पोएट्री इज सिंपल और ल्यूसिड इन लैंग्वेज और स्ट्रक्चर और स्टाइल एंड डिक्शन, दैट मीन्स इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ पोएट्री. Usually, the themes of most ballads are tragic. ज्यादातर इनके जो थीम होती है बैलेट्स की वो कैसी होती है, ट्रेजिक होती है. द यूज ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इज एन इम्पेरेटिव फीचर ऑफ बैलेट. बैलेट्स के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि कीट्स और कॉलरिज, इनके बैलेट्स में ये चीज ली गई है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. क्लियर. यदि हम बात करें बैलेट स्टेंजा की, ठीक है, तो हर एक बैलेट के अंदर बैलेट स्टेंजा होता है. दैट इज अ रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेट. एवरी बैलेट इज रिटन इन अ बैलेट स्टेंजा. अब बात होती है कि व्हाट इज बैलेट स्टेंजा. देन बैलेट स्टेंजा इज अ स्टेंजा व्हिच कंसिस्ट ऑफ फोर लाइन्स. ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्वाट्रेन यानी कि फोर लाइन का स्टेंजा होता है और उसे ही बैलेट स्टेंजा कहते हैं. और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है, ए बी सी बी, ए बी एंड सी बी. ठीक है, देर आर नो एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट द सराउंडिंग एटमोसफियर एनवायरमेंट, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. अब्रप्ट ओपनिंग होती है, द पोएम स्टार्ट सडनली एंड द रीडर हैज टू विजुलाइज द सेटिंग हिमसेल्फ थ्रू द पोएट्स वर्ड. कि वो पहले जो इंफॉर्मेशन नहीं देता है बैलेट, लेकिन पोएट को उस सेटिंग को कि ये किसके बारे में एंड ऑल जो भूमिका है वो अपने आप से क्या करनी होती है, विजुलाइज करनी होती है. क्लियर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैलेट की. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल देर आर थ्री मेन टाइप्स, द फॉक बैलेट, द द ब्रॉडसाइड बैलेट एंड द लिटररी बैलेट. ओके, सो दैट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ द बैलेट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज ऑल वी हैव कम्प्लीटेड बैलेट हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिक. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू अगेन. गुड बाय.